सेक्सी वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। और ऊपर से परमेश्वर का कहता है, देख ले बेटा, जिस दिन तेरी आयु के दिन पूरे हो गए उस दिन तुझे आग से नमकीन करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा। मेरी बात को याद रखना, जिस रीति से आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको आग में नंगा ही डालेगा। जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है वो उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी को बताया जा रहा है। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला वही आपको बताया जा रहा है। जीजस वार्निंग। कल शाम को हमारे पास किसी लड़की ने या लड़के ने कमेंट किया, हम पढ़ के सुना देते हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है भैया? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बाइबल के अनुसार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना चाहिए? देखिए, बाइबल कहीं भी, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाओ। आप ऐसे ही पाप करते रहिए और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहो और बाद में नर्क का मजा लीजिए। जब आपको नर्क में डाला जाएगा तब वहाँ आपकी आँखें और कान खुल जाएंगी, तब वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, तब आपको वहाँ से आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको निकालने नहीं आएगी। ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है, जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े आराम से पाप कर देते हैं और यीशु को पाप करके बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। शैतान को मालूम है कि एक मसीही कौन से पाप में गिरता है और वह शैतान एक मसीही को उसी पाप में गिराता है और वह मसीही शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाता है। मेरी बात को याद रखना, अगर आप अपना जीवन इसी तरह बिताते जा रहे हो, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तब आपको उसी अनंत काल की आग में जाना पड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यह नहीं कि आप यीशु पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा ले लिया है और अब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। विश्वास तो करते हैं, विश्वास तो करते हो और आप वही संसारी काम करते हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हो, रखते हो और सेक्स वीडियो देखते हो और आप स्वर्ग चले जाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। परमेश्वर आपको उसी अनंत काल की आग में डाल देगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। आप अपना हर एक दिन जांचो कि आप क्या कर रहे हो। यीशु उसी मसीह विश्वासी से विश्वासी को स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग में उठाया जाएगा, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता होगा, जो उसका भय मानता होगा वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। यहेजकेल 18 के 20 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ, ठीक है? जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और पुत्र पिता का धर्मी को अपने ही धर्म का फल मिलेगा। जो मनुष्य पाप करेगा वही मरेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है, आप अपना समय गलत बातों में गवाया है, व्यर्थ गवाया है। यीशु ने कहा था, भैया मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ कि जो पाप करता है वह पाप का दास है, नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है, बेटा हमेशा रहता है। जो लोग पाप के ऊपर पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के कभी परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी जानबूझकर पाप करते हो, वचन मालूम होने के बाद भी पाप करते हो, तो सुनो, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, एक रास्ता है और वो एक भयानक नर्क की झील, क्योंकि उनकी आँखों में, क्योंकि उनकी आँखों से व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी आँखों से व्यभिचार होता है और वे पाप किए बिना रुकते ही नहीं है और बड़े आराम से पाप ने कर देते हैं। उस नर्क की आग में करोड़ों सैकड़ों आत्माएं उस ज्वाला में तड़पती होंगी। वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है मेरे भाई। थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है और ना अभी तो सब कुछ कुशल और अच्छा नजर आ रहा है। पाप करके आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे। एक मसीही स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ में वही गलत गलत काम करती है जो एक मसीही स्त्री को नहीं करना चाहिए। मेरी बात को याद रखना, ऐसे लोगों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा, बहुत तड़पाएगा। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है, पाप मत करो, पाप मत करो, मगर वह अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। उस 7 में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, उस 7 में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। जैसे प्रकाशित वाक्य 16 के 8 वचन में लिखा हुआ है,
और चौथे ने अपना कटोरा एक सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सभी पत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए वंदना फिराया। अगर जो कोई यहाँ गलती से छूट जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। परमेश्वर इस सूरज की किरणों को एक आग का गोला बना के रख देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी और मौत मांगोगे और मौत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे आपने व्यभिचार गलत काम किया है। जाते जाते मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी दुनिया की ताकत छुड़ा नहीं पाएगी, बचा नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वचन आपके अंदर जाएगा वैसे वैसे ही सारी गंदगी आपसे के शरीर से बाहर निकलती जाएगी। क्योंकि भैया मैं वीडियो बनाता हूँ, पवित्र आत्मा की ओर से बनाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आप लोगों को पाप से बचाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है भैया। आप सभी को जय मसीह की।